जी हाँ, आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क, और एमएनटी न्यूज नेटवर्क के विचार विमर्श इस कार्यक्रम में आज हम आपका स्वागत करते हैं। आज जो विषय हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है नई शिक्षा नीति को लेकर। साथियों, हर दिन एमएनटी पर जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उनको लेकर चर्चा होती है। आज जो समाज को लेकर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है शिक्षा नीति का, और इस शिक्षा नीति को लेकर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए है डॉक्टर राजेंद्र कुंभार जी। आज जो नई शिक्षा नीति है 2020, उसमें बहुजन अमूल्यों से बहुजनों की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस विषय पर प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र कुंभार जी, प्रिंसिपल है जयसिंहपुर कॉलेज कोल्हापुर महाराष्ट्र से, इनके साथ हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज के विषय के बारे में मैं आपको बता दूं कि आज सर इस विषय पर जानकारी देंगे, और आखिरी की जो 15-20 मिनट है आप सभी को मौका मिलेगा सर से सवाल पूछने का। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज के विषय को लेकर अपने सवाल अपने नाम के साथ, जिला और राज्य का नाम लिखे तो बहुत अच्छा होगा, अपने नाम सवाल और अपना नाम जरूर लिखिए, और आखिरी में 15 मिनट में आपके जो चुने कुछ चुनिंदा सवालों को यहाँ पर जवाब सर की तरफ से आपको मिलेंगे। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। आज आज का जो विचार विमर्श है प्राइम टाइम है, इसमें आप की तरफ से हम जो है जानना चाहेंगे कि जो नई शिक्षा नीति है इसमें हमारे मूल्यवासी बहुजन समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद साथियों। आज हमारा जी विषय है सर, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर मूल निवासी बहुजनों की क्या भूमिका हो। ये जो भूमिका है इसको स्पष्ट करने के लिए पहले अपने मन में कुछ चीजें साफ होनी चाहिए। ये चीजें साफ होनी चाहिए कि शिक्षा के बारे में कौन बोले, कैसे बोले और बोलने के लिए कैसे सीखे। ये तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहली जो चीज है कि कौन बोले, एजुकेशन मस्ट बी एवरीवन्स बिजनेस। ये शिक्षकों का विषय नहीं है, ये विद्यार्थियों का विषय नहीं है, ये शिक्षाविदों का विषय भी नहीं है, ना ये है राज्यकर्ताओं का विषय। ये विषय सब लोगों का है, सब लोगों के लिए है। किस लिए चाहिए शिक्षा, ये भी साफ होना चाहिए। जब हम इतिहास से देखते आते हैं, बहुत सालों के, बहुत सदियों के इतिहास से देखते हैं, तो शिक्षा के बारे में उपनिषदों में लिखा है, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो होती है जो आदमी को स्वतंत्र बना देती है, मुक्त बना देती है। वो मुक्ति का साधन विद्या यानी कि शिक्षा है। अकल आने का साधन शिक्षा है। और बहुजनों को, मूल निवासी बहुजनों को, शूद्रों को शिक्षा नहीं दी गई, इसलिए उनकी मति मारी गई। इसलिए फुले जी कहते हैं, विद्या बिना मति गेली। और इस मति को लेकर शिक्षा नीति में क्या है और क्या होना चाहिए। तीसरी चीज है कि आदमी में साहस आना चाहिए शिक्षा से, उसका माथा उन्नत होना चाहिए। जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, वेयर द माइंड्स विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर द नॉलेज इज फ्री, और यही स्वर्ग है, जहां पे सब लोगों का शिक्षा के ऊपर समान अधिकार है। ये समान अधिकार की व्याख्या जो है वो भी बहुत बारीकी से करनी चाहिए। सरकार ने जाहिर किया कि है अधिकार, हमने कब ना कहा है, लेकिन स्कूल्स नहीं है। स्कूल्स है तो फटीचर स्कूल्स है, टीचर्स नहीं है। टीचर्स है तो अनट्रेंड है, टीचर्स को पेमेंट नहीं दी जा रही है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स है, क्लॉक आवर बेसिस टीचर्स है, अर्ध समय के लिए काम करने वाले टीचर्स है, और इन शिक्षकों से जो शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा नहीं है, इसको समझना चाहिए। वो शिक्षा जैसा कुछ है
लोगों को भ्रमित करने वाला। अगर यह नहीं होता, इसमें एक बहुत बड़ा जिक्र ड्रॉप आउट रेट के बारे में है, जो शिक्षा के प्रक्रिया में छूट जाते हैं उसको ड्रॉप आउट कहते हैं। हम आंदोलन में ड्रॉप आउट इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये ड्रॉप आउट नहीं है, ये शिक्षा नीति द्वारा पुश आउट है, जिनको शिक्षा के सर्कल से बाहर धकेला गया है। और ये धकेले गए कौन है, कितने धकेले गए, इसमें इंटरेस्ट संख्याविदों का है। ये धकेले गए कौन है, क्या यह के डॉक्टर्स के बेटे हैं, क्या इंजीनियर्स के बच्चे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं जो धकेले गए हैं और कितने हैं। तो इसी में कहा गया है कि कितने धकेले गए बच्चे हैं मेरे पास, सरकार ने जाहिर किए हुए आंकड़े हैं। जैसे कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, पहली कक्षा में जो बच्चे आते हैं समाज से वो कितने हैं, तो सरकार का आंकड़ा कहता है कि 6 से 8 साल तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 90.9 है, 90% से ज्यादा है। लेकिन 9 से 10 तक आ जाए तो वो 79.3 है, 79% है। तो 11% बच्चे कहां गए और उनको किसने बाहर धकेला। 11 से 12 तक जो है सिर्फ 56% है, 56% है। तो लगभग आधे बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए, वो उनको वंचित हो गए नहीं, उनको वंचित बनाया गया है। पॉलिसी सो डिजाइंड द चिल्ड्रन ऑफ द पुअर पीपल, चिल्ड्रन ऑफ द शूद्राति शोध शुड बी पुश्ड आउट, उनको बाहर धकेला जाता है। और इस बाहर धकेलने से आगे जब हम चलते थे कि कितने लोग हैं बाहर धकेले हुए, तो सरकार का आंकड़ा कहता है 617 साल तक बच्चों का अगर ख्याल किया जाए तो उसमें 3.22 करोड़ लोग, करोड़ बच्चे स्कूल के बाहर है, जिनके नसीब में स्कूल नहीं है। और 3 करोड़ से ज्यादा, 3.25 करोड़ बच्चे अगर स्कूल से बाहर है तो वो संविधान के लाभों से वंचित है। जो शिक्षा के लाभों से वंचित है वो काम के लाभों से वंचित है, वो बोलने के अधिकार से वंचित है, वो लिखने के अधिकार से वंचित है, अपने हकों से वंचित है, जिसका जिक्र अपने संविधान में किया गया है। तो ये बच्चे कौन है, माइग्रेटरी लेबरर के बच्चे हैं, वो कारीगरों के बच्चे हैं, वो अति शूद्रों के बच्चे हैं, और सारे मूल निवासी हैं। यहाँ के जो संभ्रांत परिवार है, यहाँ के जो उच्च वर्ण के लोग हैं, यहाँ के जो मालमत्ता धारण करने वाले लोग हैं, उनके बच्चे बाहर नहीं है, उनके लिए स्कूल है। तो हमें सोचना चाहिए क्या इन बच्चों को स्कूल में वापस लाने के लिए इस शिक्षा नीति में कुछ है। दिखा तो देते हैं है, लेकिन वो है नहीं। दूसरी एक चीज है कि सावित्रीबाई फुले ने कहा था कि शूद्रास सांगण्या जोगा हा शिक्षण मार्ग भला, शिक्षणानचे येते मनुष्यत्व पशुत्व हाटते पहा। शूद्रों को मूल निवासी बहुजनों के लिए यही एक मार्ग है जिसका नाम शिक्षा है, जिससे मनुष्य पशुता को छोड़ के मनुष्यत्व की ओर आता है, जिस मनुष्यत्व का जिक्र भगवान बुद्ध ने किया है, भगवान महावीर ने किया है, बसवन ने किया है, उस मनुष्यत्व की ओर ले जाने की शिक्षा के लिए कुछ प्रावधान इस नई शिक्षा नीति में है। इसको सोचना चाहिए, इसको खोजना चाहिए। और इसमें भी बहुत, जैसे कि हमारे वेदों में उपनिषदों में लिखा गया है सब कुछ अच्छा है, सब कुछ भला है, सब कुछ चंगा है, प्रधानमंत्री भी कहते हैं सब अच्छा चल रहा है, सबको सबका भला हो, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु। सर्व का मतलब क्या है,
आर्यावर्त में रहने वाले लोग, इसका सबका मतलब क्या है? ब्राह्मण क्षत्रिय लोग। जब बुद्ध कहते हैं भवतु सब मंगलम, उसमें सब में सब लोग आए, उसमें कारीगर भी आते हैं, उसमें दलित भी आते हैं, पिछड़े आते हैं, किसान आते हैं, मजदूर आते हैं जी। तो ये सब जो है तो इनका सब अलग है अपने से। फिर एक बात है कि शिक्षा कौन दे रहा है, शिक्षा कैसी दे रहे हैं, शिक्षा किसको दे रहे हैं और शिक्षा के नाम पे क्या रहे, शिक्षा का माध्यम क्या हो, इस सब बातों का जिक्र हमारे चौपालों में होना चाहिए, हमारे गांव में होना चाहिए, हमारे घरों में होना चाहिए। पिछले 70 साल से घर में शिक्षा का जिक्र नहीं होता है, घर में ट्यूशन का जिक्र होता है, घर में मार्कलिस्ट का जिक्र होता है, घर में अच्छे स्कूल का, अंग्रेजी स्कूल का जिक्र होता है। ये मूलभूत जो चर्चा है इसमें, इसकी मूल चर्चा है कि शिक्षा क्या है और वो कैसे मिलेगी। तो हम एक ऐसे स्थिति में आ गए हैं जिस स्थिति में एक संपूर्ण क्रांति की जरूरत है। ये क्रांति कौन करेगा? क्योंकि ये जो क्रांति है, ये क्रांति हमारे शत्रु के साथ है, जो शत्रु हम में छिपा हुआ है। मैं कह रहा हूं हम में छिपा हुआ, इस देश में छिपा हुआ है। अब तो ब्रिटिश नहीं है, ये हमारे ही काले लोग है, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने आप को विशिष्ट समझते हैं। ऑल पीपल आर इक्वल बट सम पीपल आर मोर इक्वल, कुछ लोग ज्यादा समान है और देश की सारी पूंजी, सारी व्यवस्था उन समान लोगों के लिए खर्च की जा रही है। क्या इस शिक्षा नीति में उसमें बदलाव लाने के लिए कोई गुंजाइश है? इसका विश्लेषण करना चाहिए। इस विश्लेषण के साथ हम आते हैं कि जो माध्यम का प्रश्न है, इसमें तो कहा गया है कि प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन का माध्यम मदर टंग होगा, मातृभाषा होगी। ओके, बहुत अच्छा है, क्योंकि जितने भी अच्छे देश है, जितने भी विकसित देश है, उस सारे विकसित देशों में शिक्षा का माध्यम उनकी मातृभाषा है। एक यही देश है कि जिनकी मातृभाषा में शिक्षा नहीं होती है, और कारण जो बता है वो हंसने वाला कारण है। वो बताते हैं कि मराठी में अगर हिंदी में पढ़ना है तो उसमें पुस्तकें नहीं है, तो लाखों रुपए वाले लेने वाले विद्वान क्या कर रहे हैं जो ट्रांसलेट नहीं कर सकते? इस मिट्टी से उगा हुआ ज्ञान और इस मिट्टी के भाषा में मिले, यही अपना स्लोगन है। अपना पानी, अपना दाना, अपना खाना, अपनी भाषा। रघुवीर साय ने कहा एक एक जगह पे, रघुवीर साय ने बहुत अच्छा पानी पानी कविता में लिखा है, वो कहता है कि जिसको पानी से विन्मुख किया उसको भाषा से विन्मुख किया, और जिसको भाषा से विन्मुख किया उसको स्वतंत्र से विन्मुख होता है। तो ये भाषा का जो प्रश्न है उसमें एक गिमिक है, यहाँ पे एक एक छोटी सी फिरत है उसमें। क्या है कि हम मातृभाषा में एलिमेंट्री एजुकेशन देंगे, लेकिन जहां ये नहीं होगा, जहां ये पॉसिबल नहीं होगा, वहां इस दूरी को मिटाने की कोशिश की जाएगी। मतलब क्या है इस वाक्य का? इस वाक्य का मतलब है बड़े लोगों के बच्चे इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ेंगे और वो नहीं स्वीकार करेंगे कि हमारा बच्चा मातृभाषा में पढ़े, तो वहां उनको वैसे ही रखा जाएगा, वहां इंग्लिश ही चलेगा। तो उस स्कूल से मालिक बनेंगे और गवर्नमेंट के स्कूल से नौकर बनेंगे, और इस दिनों को कैसे पाटे, किस तरह पाटना चाहिए, उसकी कोई योजना इसके अंदर नहीं है। दूसरी चीज है यहां पे कि उन्होंने कहा है
कि स्कूल कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे और उसमें इंक्लूजन किया जाएगा। इसका मतलब 3,000 से कम जिस कॉलेज में बच्चे हैं उस कॉलेज को बंद किया जाएगा। तो सीनियर कॉलेज में 3,000 बच्चे वाले जिले में 2 या 3 होते हैं, बाकी कॉलेजेस बंद हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी उनके घर से, उनके काम की जगह से, तो कैसे बच्चे आ जाएंगे। सबसे भयंकर चीज इसमें है कि बहुजनों के बच्चे स्कूल में टीचर ना बने, इसलिए यहां पे कॉन्ट्रैक्ट टीचर का, ऑनररी टीचर का, क्लॉक आवर बेसिस टीचर का क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जाएगा, वो वही चलेगा। दूसरी चीज है, एक और भयंकर चीज है, वो भयंकर चीज है कि बच्चों का मन विकसित होने के लिए, उनका दिमाग विकसित होने के लिए अपनी संस्कृति को, संस्कृति की पहचान देने वाले पूरक पुस्तकों का संच दिया जाएगा जिसमें बच्चे संस्कारित हो। ये संस्कार चीज क्या है, किस संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं, बात क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, बात कौन कर रहा है इससे फर्क पड़ता है। भारतीय संस्कृति तो एक प्लूरल टर्म है, अनेक वचन है, एक वचन नहीं है। यहाँ की संस्कृति अलग है, यहाँ की संस्कृति अलग है, कारीगरों की संस्कृति अलग है, हर राज्य में अनेक संस्कृतियां हैं, और सबसे ऊपर जो राज कर रहे हैं हमारे ऊपर उनकी वैदिक संस्कृति अलग है। तो ये ऐसी पुस्तकें देकर फिर एक बार बच्चों के मन में संस्कृति के बारे में भ्रांति पैदा करेंगे। महाराष्ट्र में यह प्रयोग हुआ था, भाजपा के विनोद तावड़े थे शिक्षा मंत्री, उस समय उन्होंने पूरक पुस्तकें दे दी थी और सारी पूरक पुस्तकें जो थी वो ब्राह्मणवाद का प्रचार करने वाली थी और आरएसएस का प्रचार करने वाली थी और उसको रोक नहीं सकते थे, और शिक्षा नीति में नहीं था। अब की शिक्षा नीति में ये है कि हम पूरक पुस्तकें देंगे और हमारी संस्कृति के बारे में लिखेंगे। क्या उसमें लिखेंगे कि हजारों साल पहले हमारे यहां प्लास्टिक सर्जरी थी, शंकर ने वो कर दी, शिव ने, और गणपति के ऊपर एक हाथी का सूंड लगा दिया, ये सिखाएंगे? संस्कृति के बारे में क्या सिखाएंगे? वो सिखाएंगे न शूद्रा ये मतिम दद्यात, शूद्रों को अक्कल होने का अधिकार नहीं है, शूद्रों का धन अगर ले लिया किसी ने, यदि भी ब्राह्मण ने ले लिया जैसे कि मनुस्मृति में कहा गया है, तो ब्राह्मण ने शूद्रों का धन लेने का उसका अधिकार ही है। इतने दूर ना जाकर भी मैं छोटी बात कहता हूं कि जो भी लोग सीखे हैं, जो 40 के आगे है, उन्होंने अपने एलिमेंट्री स्कूल में कुछ पुस्तकें पढ़ी होगी, उसमें लिखा था हर हर कथा में एक गरीब ब्राह्मण होता है और उसको दान दिया जाता है। इसमें कहीं नहीं लिखा गया है एक गरीब किसान है और उसको राजा दान दे रहा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ब्राह्मण किसी दलित को दान दे रहा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि राज कर रही महिला है, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो इस नीति में जब ये कहते हैं कि भारतीय संस्कृति की पूरक पुस्तकें दी जाएगी तो क्या दिया जाएगा, इसको कौन रोकेगा, कौन पूछेगा? तो बहुजन समाज की, समाज का एक कर्तव्य है, बहुजन समाज का परिवर्तन हमें बुद्धिजीवियों से बुद्धिवादियों तक करना चाहिए। मैं पिछली बार भी ये कहा था कि हमारे लोग बुद्धिजीवी है, बुद्धि को बेच के जीते रहते हैं। बुद्धिवादी वो होता है बुद्धि को लेकर सवाल पूछता रहता है, जो बौद्ध परंपरा का सबसे अहम चीज है, सवाल पूछना। तो शिक्षा नीति से सवाल पूछने वाला
साक्षर बुद्धिवादी बहुजन समाज से आगे आना चाहिए। जो लिखा जाता है उसको इतिहास कहते हैं, और जिनका इतिहास नहीं होता वो आदमी नहीं होता, वो इंसान नहीं होता, वो प्राणी होता है। मैं एक चीज देख रहा था, एक प्रश्न पूछा गया था न्यू लिबरल लोगों के साथ स्कूल में। वो प्रश्न था, जो बोझा ढोता है उस प्राणी को क्या कहते हैं? मुझे लगा उसको तो गधा कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उसका उत्तर लिखा था, उसको हमाल कहते हैं, बोझा ढोने वाला आदमी। इसका मतलब है जो बोझा ढोता है, जो मजदूरी करता है, वो प्राणी है, वो जानवर है। और रामायण में वही कहा है ना वाली के बारे में, शंभू के बारे में, तुम आदमी ही नहीं हो। तो ये शिक्षा नीति का चरित्र जो है, शिक्षा नीति का चित्र बहुत अच्छा है, बहुत रंगीला है, इष्टमन कलर है, लेकिन शिक्षा नीति का चरित्र बहुत बुरा है। और चरित्र जो है, चरित्र जिसको जो लोग इसको लागू कर रहे हैं उन पे निर्भर करता है, और जो लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। तो चित्र और चरित्र में फर्क बहुजनों को करना चाहिए। हर गांव में, हर टोले में, हर शहर में, हर तालुक में, तहसील में, हर जिले में बहुजनवादी बुद्धिजीवियों की सभाएं होनी चाहिए। उसमें यही एक प्रश्न चाहिए कि शिक्षा नीति क्या है और इस शिक्षा नीति का क्या करना है, किसके लिए लड़ना है। ये तो ऐसा नहीं है कि मैं बाबे साहब की कृपा से आईएएस हो गया हूं, मैं कलेक्टर हो गया हूं, तो मेरे बच्चे तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे, तो मैं क्यों सोचूं? आपका कर्तव्य है, आपको सोचना पड़ेगा। और उस ऐसे लोगों को जो सम्भ्रांत परिवार बन गए हैं आरक्षण के बाद, उनके ऊपर बाकी लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने दबाव डालना चाहिए, इसके बारे में सोचना, समझना और हमें समझाना आपका कर्तव्य है। और आपको कर्तव्य करना पड़ेगा, क्योंकि आप स्टेक होल्डर है, आप लाभार्थी है इस आरक्षण के, इस संविधान के जो लाभार्थी है, उनको बाध्य करना पड़ेगा कि इसको मूवमेंट बना जाए, इसको आंदोलन, जन आंदोलन बनाया जाए। यहां मैं और एक चीज ठीक करना चाहता हूं, जन आंदोलन का जो डिजाइन है, जो स्वतंत्रता आंदोलन से निकल कर आया था, वो डिजाइन अब कारगर नहीं रहा है, वो नाकाम हो गया है। क्योंकि उस आंदोलन के आयुधों को, अस्त्रों को उपयोग करने का एक प्रीएम्बल था, एक प्री रिक्विजिट था। क्या था? कि अपना शत्रु संवेदनशील हो, अपना शत्रु आदमी की तरह, इंसानों की तरह सोचता हो, वो विरोधियों का भी आदर करता हो, उनकी सुनता हो। ये सारी चीजें अंग्रेज सरकार में शायद थी। तो कोई मोर्चा हो जाता, कोई निदर्शन हो जाता, कोई सभा हो जाती, कोई धरना हो जाता, तो सरकार सुनती थी और उस पर अमल भी करती। आज जो परिस्थितियां हैं, तो यह आंदोलन का तरीका आज भी चल रहा है, इन आंदोलनों से, इन मोर्चों से, इन धरनों से एक लीडरशिप बन जाती है। मीडिया में, मीडिया में फोटो छपता है, लीडर का नाम हो जाता है, लेकिन प्रश्न वही का वही रह जाता है। जिलाधिकारी के कार्यालय पर एक 5,000 लोगों का मोर्चा अगर ले जाना है, तो गरीब के जेब से 10 लाख रुपए जाते हैं, उस दिन की रोजी चली जाती है, रोटी चली जाती है, समय चला जाता है, उसके लिए ट्रैवल करना पड़ता है, धूप में बैठना पड़ता है, दोपहर को कुछ खाना पड़ता है, और इसके बाद जिलाधिकारी से, जिलाधिकारी खुद कभी नहीं आता मोर्चे के आगे, कोई क्लर्क, कोई बाबू आ जाता है
और पर्चा ले जाता है और कहता है मैं सरकार को भेज दूंगा, हो गया ना। जिलाधिकारी का कुछ नुकसान है इसमें, ना सरकार को नुकसान इसमें इसमें है। अगर तुम्हें तोड़फोड़ करो तो वो घबराएंगे, लेकिन तोड़फोड़ तो मार्ग नहीं है आंदोलन का, और उसके बाद भी घबराएंगे, लेकिन नीति में बदलाव नहीं आएगा। नीति में बदलाव लाने के लिए नीचे से जाना पड़ता है। तो हमारे बहुजनवादी आंदोलन का रणांगन है अपना गांव, अपना मोहल्ला, बचाना है अपने समय को, बचाना है अपने पैसे को, फिर भी उसमें परिणाम निकलते आने चाहिए। कैसे निकलेंगे? इस देश में तीन ही संस्थाएं संविधान ने अधिकृत की गई है, एक है लोकसभा, दूसरी विधानसभा और तीसरी ग्राम सभा। इन तीनों संस्थाओं को अधिकार है कानून बनाने का, कानून के बारे में बोलने का, और जो बोलते हैं, जो तय करते हैं, उसको लागू करने का अधिकार भी उन्हें। तो हमारे पास तो हमारी ग्राम सभा है, तो शिक्षा नीति के बारे में जो अपनी मांगे हैं उसको हम ग्राम सभा में पारित करें। उसके लिए हर आदमी को, क्योंकि जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये भेद है, उसी तरह एक दूसरा भी भेद है, शहर और गांव। और जब आप जाएंगे कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको क्वालिटी की शिक्षा मिलनी चाहिए, अगर ये मांग ले लेकर इस मुद्दे को हम हर आदमी के पास जाते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट बनेगा, ये जो पर्चा बनेगा शिक्षा नीति के बारे में, बहुजनों का पर्चा है, ये जाहिरनामा है, ये मैनिफेस्टो है, शिक्षा का मैनिफेस्टो जनता के द्वारा दिया गया हो, तो कौन ऐसा आदमी रहेगा गांव में कि जो कहेगा कि मेरे बच्चों को मुफ्त शिक्षा नहीं चाहिए, मेरे पास लाख रुपए है, वह मैं दे के ही शिक्षा लूंगा, कोई नहीं कहेगा। कौन किसान, कौन मजदूर, कौन कारीगर, कौन दलित ऐसा कहेगा कि मेरे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? कौन कहेगा अच्छे शिक्षक नहीं मिलने चाहिए? कौन कहेगा अच्छी इमारत नहीं मिलनी चाहिए? अगर हां है, चलो साथ मिलते हैं और ग्राम सभा में इसको पारित करते हैं और सरकार के पास भेज देते हैं। ये मत समझना कि सरकार जो चुनी गई है उसमें सब बुद्धिमान है। इस देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, सरपंच बनने के लिए बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है, पॉलिसी समझने की भी जरूरत नहीं है। वो तो काम हमने ब्राह्मण ब्यूरोक्रेट से ऊपर सौंप दिया है और हमारे सर पे बैठकर वो कर रहे हैं और उसको हम स्वीकार रहे हैं। तो हमारा रणांगन जो है, बैटल फील्ड जो है, वो गांव होना चाहिए। अगर नगर पालिका है तो वार्ड होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार जो चुना हुआ आदमी है तो यही से गया है और यही हम उसको जवाब पूछते हैं, जवाब दो कहते हैं, तो उसको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो अगले इलेक्शन में उसके साथ कोई नहीं जाएगा। इसमें पैसा बच जाएगा लोगों का, दूसरी चीज है रोजी नहीं चली जाएगी, तीसरी चीज है कि हमारे गांव में हम तो शेर होते ही है, हम रोज मिलते हैं, रोज चर्चा करेंगे, इस हर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसलिए बुद्धिवादियों का काम है कि जो डॉक्यूमेंट लिखा गया है उसका विश्लेषण करके छोटी छोटी पुस्तिकाएं बनाए, बुकलेट्स बनाए, पैम्पलेट्स बनाए, और अपने जेब से पैसे डालकर, अगर हम देश को बनाने जा रहे हैं
जेब से पैसे डालकर उनको छपवाइए। एक घर में किचन में जो औरत है उसके हाथ में पर्चा जाना चाहिए, खेत में जो मजदूरी कर रहा है उसके हाथ में जाना चाहिए, वो कारीगर है उसके हाथ में जाना चाहिए, जो पंच है उनके हाथ में जाना चाहिए, आदिवासियों के हाथ में जाना चाहिए। और उसका जो कहना है, एक चीज तो है कि जब ये बनने जा रहा था तब इस देश के नागरिकों को पूछा नहीं गया था, तो ये कैसे हो सकता है? अगर ये डेमोक्रेसी है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल और फॉर द पीपल है, और इन सारे लोगों के बारे में आप कुछ पॉलिसी बना रहे हैं, ये पॉलिसी बन कैसे सकती है जब तक कि यहां के सारे लोगों को क्या बनाना है इसके बारे में बताया नहीं जाता? तो ये कहां से आ गया? ये ऊपर से थोपा गया है, इसलिए बुरा है। डेमोक्रेसी में ऊपर से थोपी गई हर चीज बुरी है, उसका उद्देश्य चाहे भला हो फिर भी वो बुरी है। तो इसको, इस पे सवाल उठाना चाहिए हर गांव में, हर गांव और घर में। दूसरा एक आदमी है, ये दूसरे आदमी से मेरे ख्याल आया कि देश में एक आदमी है जो रोटी बनाता है, दूसरा आदमी है जो रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी है जो ना रोटी बनाता है ना रोटी खाता है, सिर्फ रोटी से खेलता है। वो तीसरा आदमी कौन है? इस प्रश्न पे इस देश की संसद मौन है। और ये जो तीसरा रोटी से खेलने वाला आदमी है, उन्होंने ये डॉक्यूमेंट बनाया है, इसलिए उसके हर लाइन को टेस्ट करना चाहिए, उसका एनालिसिस करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। क्योंकि कुछ चीजें है ये सीधी साधी नहीं है। जैसे कि इसमें कहा है कि छठी कक्षा के बाद अगर घर में कोई काम चल रहा है, जैसे कि कुम्हारी का काम चल रहा है, बढ़ई का काम चल रहा है, राजमिस्त्री का काम चल रहा है, तो वो बच्चा उसको सीखे और पिता के साथ काम पर भी जाए, तो उसको बाल मजदूर नहीं कहा जाएगा। कि जिस समय बड़े आदमियों के बेटे ऑनलाइन एजुकेशन और सॉफ्टवेयर करेंगे और हमारे बच्चे बढ़ई का काम सीखेंगे, तो कहते हैं कि चाय बेचना क्या रोजगार नहीं है? संविधान यहाँ के लोकसभा में कहा गया था, एक जवाबदेही मंत्री ने कहा था कि क्या पकोड़ा बनाना रोजगार नहीं है? चाय बेचना रोजगार नहीं है? बढ़ई का काम रोजगार नहीं? वही भी रोजगार है। हाँ, ये रोजगार है, मैं पूछना ऐसा आता हूं, अगर ये रोजगार है तो मंत्रियों के बेटे इस रोजगार को क्यों नहीं जाते? संभ्रांत परिवारों के, बड़े परिवारों के बच्चे क्यों नहीं जाते यहां पे? वो ड्रेनेज में क्यों नहीं उतरते? 70 साल बाद भी ड्रेनेज में उतरने वाले, सैनिटेशन का काम करने वाले विशिष्ट जाति के लोग क्यों हैं? वहां कंपटीशन क्यों नहीं है? वैसे तो वहां भी मिलते हैं। यहां पे मंगलयान छोड़ने की बात होती है, लेकिन कभी बात नहीं होती। हर साल सैकड़ों मजदूर ड्रेनेज के विषैले गैस से मर जाते। तो चंद्र पर यान छोड़ने वाला, मंगल पर यान छोड़ने वाला देश ड्रेनेज में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला मशीन क्यों नहीं बनाता? क्योंकि हम आदमी नहीं है। तीसरे आदमी का कहना है, आप आदमी नहीं हो, आप तो जानवर है, आपको तो मरना ही है, काम करते करते मरो या कत्ल खाने में मरो। इसको बदलना है, शिक्षा से इसको बदलना है। 70 साल की शिक्षा ने इसको नहीं बदला है। यहां एक बुटाहगा कहा है कि मातृभाषा को जो मामला है, जहां मातृभाषा का इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकता, उसमें इस गैप को पाटा जाएगा। और एक चीज कही, धीरे धीरे जो ज्यादा और अच्छी शिक्षा हुए किए हुए लोग हैं, वो लोग बाकी बच्चों तक इन चीजों को पहुंचाएंगे। ये तो मैकॉले की थीरी आ गई फिर भी। और जो 5000 साल में ज्ञान को
शूद्राति शूद्रों के पास नहीं पहुंचा सके, क्योंकि उनकी मंशा नहीं है कि हमें उनको पहुंचाना है। अगर इनके पास पहुंच जाए, जैसे कि लोकमान्य तिलक ने कहा था एक बार, और दरभंगा के महाराजा ने भी कहा था, अगर सब बच्चों को शिक्षा दी जाए, अब मजदूरों के बच्चे अगर सीखने लगे तो हमारे खेत में मजदूर कौन बनेगा, दिहाड़ी मजदूर कौन बनेगा, वेट बिगार कौन बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट मजदूर कौन बनेगा। तो कुछ लोगों को मजदूर बनने दो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मजदूर बनने दो, उनको आदमी ही ना समझो। इसके खिलाफ एक शिक्षा का आंदोलन है। हमारे यहां आंदोलनों को अलग अलग किया जाता है। जो उच्च वर्गीय है उनके बच्चों का भी एक आंदोलन होता है, जैसे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, बहुत सारे विद्यार्थी संगठन भी है। वो विद्यार्थियों के कौन से शिक्षा को देखते हैं और तत्कालिक प्रश्नों के ऊपर आंदोलन चलाते हैं। उसमें आमूलचूल परिवर्तन का कोई आंदोलन नहीं है भारत में। मैं तो लगभग 30 साल से आंदोलन में हूं, राइट टू एजुकेशन, फेडरेशन फॉर राइट टू एजुकेशन में काम कर रहा हूं। चंद गिने चुने लोगों के अलावा शिक्षा किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं लगती, और वो नहीं लगनी चाहिए, इसलिए सरकार काम करती है। तो विद्यार्थियों के आंदोलन तत्काल के प्रश्नों के ऊपर होते हैं, परीक्षा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, फीस कम होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए, ये तो सरकार की इच्छा है कि तुम ऐसे आंदोलन करो, और हमेशा आंदोलनकारी सरकार की इच्छा अनुसार ही आंदोलन करते आते। सरकार की इच्छा है तुम मांग करो कि कुछ बच्चों को फ्रीशिप दे दो तो हम दे देंगे, अगर सब लोगों के लिए आप बात करोगे तो हम नहीं देंगे। कुछ लोगों को हॉस्टल दे दो, ये इंक्लूजन है। कुछ लोगों को, चंद गिने चुने लोगों को लेकर हम आगे लाएंगे, और हमारे हाथ के नीचे, हमारी नाक के नीचे वो अपना सर नीचा करके काम करेंगे, क्योंकि हमने उनको इंक्लूड किया है। और उसके बाद भी उनको कहेंगे, आप तो सरकार के जमाई है, फ्रीशिप से आए हैं, हमारे बाप ने तो पैसे से मुझे शिक्षा दी है। लेकिन भाई तुम्हारे बाप के पास 40 लाख मेडिकल में जाने के लिए आए कहां से, वो तो हमारे जेब से आए। तो हमारा जो शेयर है इसमें, हमारी जो इक्विटी है, इसका क्या करें? तो फीस में कम करने का, स्कॉलरशिप देने का प्रावधान इंक्लूजन है। इसके खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए। लड़ाई ऐसी होनी चाहिए, अगर ज्ञान प्रधान है और ज्ञान लेने का हक सभी को है तो एक ही चीज हो सकती है। अगर इक्विटेबल क्वालिटी का शिक्षा देनी है तो यहां की सारी शिक्षा मुफ्त हो और पब्लिक एजुकेशन सरकारी हो। अगर किसी आदमी को एक जगह पे मनुस्मृति सिखाई जाती है, दूसरे स्कूल में कुरान सिखाया जाता है, तीसरे स्कूल में बाइबल सिखाया जाता है, और सिखाया जाता है कि तुम्हारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है और बाकी धर्म कनिष्ठ है, तो देश में एकता कैसे बढ़ेगी? और चीज है कि प्राइवेट स्कूल्स अच्छे होते हैं और पब्लिक स्कूल्स, सरकारी स्कूल्स बहुत खराब है। खराब है किस तरह से खराब है, हम उसका विश्लेषण करें? खिड़कियां टूटी फूटी है, ठीक है, बच्चे कम है, गंदगी रहती है, लाइट्स नहीं है, पानी नहीं है, स्वच्छता गृह नहीं है। उस इंग्लिश स्कूल को देखो, प्राइवेट चला रहे, फीस ले रहे हैं, लेकिन कितनी अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। तो सुविधाएं बनाम शिक्षा, इसको हम सोचें। सुविधाएं शिक्षा नहीं होती। सरकारी स्कूल में जो टीचर आता है वो परीक्षा देके मेरिट से आता है, उसको पूरी सैलरी मिलती है,
प्राइवेट स्कूल में जो शिक्षक आता है वो सरकारी स्कूल में नहीं जा सकता, स्वयं टीचर वहां पे आता है उसे सैलरी भी नहीं मिलता है, और उससे जो बच्चा पैदा है किस बच्चे को हम साक्षर नहीं तो कहेंगे, सुशिक्षित कहेंगे, उसमें का पशु मर गया है क्या वो आदमी बन गया है, क्या उसका मन निर्भय है, क्या शिक्षा उस देश सोचने का तरीका सिखाती है, उसकी क्षमता देती है? जो प्रश्न उसने उसके माता पिता के सामने उस समाज है उसके बारे में सोचने की कोई चीज पाठ्यक्रम में है? जॉनी जॉनी एस पापा, मुझे तो हंसी आती है क्योंकि 50 साल पहले सुना था जॉनी जॉनी एस पापा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हिकरी डिकरी डॉग, जैक एंजल वेंट अप द हिल, तो आज भी मैं सुनता हूं वही गाने हैं जिस देश के प्राइवेट अच्छे स्कूलों में 70 साल में बच्चों का एक गाना नहीं बदलता है तो स्कूल अच्छा कैसे है, स्कूल अच्छा नहीं है। और सरकारी स्कूल इसलिए बुरा है का सुना जाता है, जिनका कहा आता है, जिनके पास मेरा है, जिनके पास अधिकार है, जिनके पास प्रतिष्ठा है, उनके बच्चे सरकारी स्कूल जाते हैं। तभी एक कलेक्टर ने अपनी बच्ची को स्कूल में लिया, पहले तो सब ने कहा कि अच्छा नहीं आप मत डालिए, मैं वही डालूंगा क्योंकि मैं सरकार का बाशिंदा हूं, मेरी बच्ची सरकारी स्कूल में पढ़नी चाहिए। तो उसके हेडमास्टर को मैं मिला था, उसने कहा हम 15 साल से प्रयत्न कर रहे थे कि कुछ सुविधाएं हो, जैसे ही कलेक्टर की बच्ची इधर आ गई तो सब फर्श नीट हुए, ठीक हुए, बिजली आ गई, पानी आ गया, स्वच्छता गृह आ गया, सब ठीक आ गया, और जितने भी टीचर्स कम हो गए उनकी भी भर्ती हो गई और कलेक्टर ने कुछ नहीं कहा। ये चीज है, अगर हमारे बुद्धिवादियों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे और उनके अभिभावक उनके पापा स्कूल के शिक्षकों से बात करेंगे, पूछेंगे उनको कि बच्चे अच्छा क्यों नहीं सीख रहे, तो स्कूल अच्छे बन जाएंगे। तो स्कूल अच्छे बनने के लिए सरकारी स्कूल होना जरूरी है, और इस देश का अनुभव और इस देश का प्रोपागंडा अलग अलग होता है। इस देश का प्रचार यह है जो जो सरकारी है वो बुरा है और ये बदहाल है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें जितने भी सरकारी संस्थान है वो अच्छे हैं, IIM अच्छे हैं, पूरी दुनिया को मैनेजर्स सप्लाई करते हैं, 20 करोड़ तक सालाना आय होती है वहां के बच्चों की, अमेरिका में जाके, यूके में जाके या ऑस्ट्रेलिया में जाके, IIM अहमदाबाद वो सरकारी है। जिन IITs की चर्चा होती है सारे दुनिया को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, सारे IITs सरकारी है, इसरो सरकारी है जहां से हमने आर्यभट्ट से लेकर मंगलयान तक सारी चीजें की है वो सरकारी है, जहां से हमारा एटम बॉम्ब भी बना और बिजली भी एटम से आ गई वो BRC बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर सरकारी है। पूरे दुनिया में मशहूर जहां के साइंटिस्ट है वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सरकारी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस सरकारी है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी सरकारी है, जिन्होंने चीन को लेबोरेटरी सेट करके दी थी, चीन आगे गया हम वही रह गए, लेकिन सारी जो चीजें अच्छी है तो सरकार के द्वारा चलाई गई प्राइमरी स्कूल्स बुरी कैसे हो सकती है?
बुरी तब हो सकती है कि जहां के मैनेजमेंट में मनी मॉन्गर लोग बैठे हैं, जो स्कूल को दुकान की तरह चलाते हैं, परचून की दुकान, और पैसा ऐंठना और मुनाफा कमाना जिनका एम है, ऐसे प्राइवेट स्कूलों से क्या शिक्षा में बदलाव आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। तो हमारी ये घोषणा होनी चाहिए कि केजी से लेकर पीजी तक फ्री एजुकेशन, और एक बच्चे के लिए भी स्कूल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये मूलभूत अधिकार है तो आप नहीं कहेंगे कि जंगल से चलकर 5 किलोमीटर वो लड़की जाए, जानवर है, जानवर जैसे आदमी है, बीच में शाम हो जाती है, बरसात आ जाती है, गर्मी छा जाती है, उसके पास छाता भी नहीं है, वो बच्ची तो पुश आउट होगी, बाहर जाएगी। जिसका बाप है ईंट भट्टे पे काम करता है, साल में 8 महीने एक जगह पे होता है और 4 महीने गांव होता है, उस बच्चे की शिक्षा कहां हो, इसका कोई जिक्र नहीं है। और सबसे बुरी चीज है इसमें, वो बुरी चीज है, कुछ लोगों को शिक्षा दे दो और कुछ लोगों को शिक्षा जैसा कुछ दे दो, उसमें उसके लिए डिस्टेंस एजुकेशन है, उसके लिए स्वयं है, जिसके लिए मूक है, और वो भी उन लोगों के लिए है जिनके पास एंड्रॉइड फोन है, जिनके पास लैपटॉप है, जिनके यहाँ रेंज है, जिनके यहाँ बिजली है, और जिनके यहाँ डाटा देने के लिए पैसा है। कितने लोगों के पास है? 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल और दाल दी जाती है, 2 किलो, जिनको खाने के रोटी के लिए सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, भीख के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, तो राशन कार्ड पे जियो से डाटा मिलेगा? राशन कार्ड में बिजली का कनेक्शन मिलेगा? राशन कार्ड पे इंटरनेट का कनेक्शन मिलेगा? तो फिर एक वर्णाश्रम धर्म आ जाएगा, जो इंटरनेट जिनके पास है, जिनके पास डेटा के लिए पैसा है, जिनके पास लैपटॉप्स है, अनलिमिटेड डेटा है, अनलिमिटेड इंटरनेट है, वो ब्राह्मण हो जाएंगे। तो ये बहुत बुरी चीज है, इसके बारे में पूछेगा कौन? सबसे ज्यादा धोखा इसमें शिक्षकों को है, ये शिक्षकों को भी मालूम नहीं है। तो हमारे बहुजनों से जो भी शिक्षक है उसको ढूंढ निकाले, क्या है ये? शिक्षकों की जाति को नष्ट करने का महाभयंकर षड्यंत्र है। तो आप कहेंगे कैसे है? देखिए, इन्होंने कहा है कि 3,000 से कम वाले सारे कॉलेजेस हम बंद कर देंगे, 30 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज में एक ही विषय चलेगा, हर कॉलेज में उसके लिए टीचर नहीं होगा। तो 80 करोड़ जनता के लिए कॉलेज कहां से हो गए? अगर कॉलेजेस नहीं है, सेकेंडरी स्कूल्स नहीं है, हायर सेकेंडरी स्कूल्स नहीं है, तो शिक्षक कहां से होंगे? और सारे शिक्षक जाएंगे कहां, क्या करेंगे? उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। मैंने जिक्र किया था मेरे पहले भाषण में कि 15 अरब डॉलर्स का धंधा 4 सालों में ऑनलाइन एजुकेशन में आ रहा है, उसमें 6 अरब डॉलर सुंदर पिचाई के साथ प्रधानमंत्री बोले और जियो के झोले में 6 अरब डॉलर्स डाल दिए गूगल के। किसने डाले? वो तो दान वाला नहीं आदमी, सुंदर पिचाई, गूगल दान देने वाली चीज नहीं है, वो तो पैसा कमाने वाला आदमी है। तो इसमें पैसा आ रहा है, पैसा कौन दे रहा है? पैसा सरकार दे रही है, और एक बड़ा धंधा पनप रहा है जो कि हमारे हाथ में नहीं है, बहुजनों के, मूल निवासियों के हाथ में नहीं है। और इसमें ऑनलाइन एजुकेशन हो जाएगा। इसमें दो तरह की कॉन्स्पिरसीज है, एक तो ठीक है पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, और कुछ बच्चों को मिल जाएगा, कुछ बच्चों को नहीं मिल जाएगा,
मैं तो अर्धनागरी जगह पे रहता हूँ, जयसिंहपुर हमारा जो है अर्धनागरी, यहाँ पे नगर पालिका है। किसानों के साथ पास पानी है, गन्ना है, वेजिटेबल्स है, तो कुछ पैसे भी है, फिर भी मेरे कॉलेज में 50% से ज्यादा बच्चों के पास इंटरनेट और एंड्रॉइड फोन नहीं है, खास करके लड़कियों के पास। घर में एक ही एंड्रॉइड फोन है और तीन तीन बच्चे पढ़ रहे हैं। 1.5 GB डाटा का जो है पैक, वो भी खत्म हो जाएगा 1 घंटे में 1.5 घंटे में, तो दिन भर का स्कूल कैसे करेंगे? तो ऑनलाइन वाले ब्राह्मण बन जाएंगे। जिनके पास कुछ समय के लिए डाटा है या पास पड़ोस में है, वो क्षत्रिय बन जाएंगे। कोने कोने पर दुकान खोलेंगे ऑनलाइन एजुकेशन के, और उसमें से ये सारे मूल निवासी हाशिए पर डाले जाएंगे, वो पुश आउट होंगे, उनके बच्चे सीख नहीं पाएंगे। और अगर ऑनलाइन सीख रहे हैं बच्चे, तो शिक्षकों की जरूरत क्या है? क्योंकि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म अभी बन गए हैं। आपको क्या सीखना है? कॉमर्स सीखना है तो कॉमर्स के सारे लेक्चर्स मिल रहे हैं इंटरनेट पे, बस पैसा देना है। आर्ट्स पढ़ना है, आर्ट्स के लेक्चर्स मिल रहे हैं, साइंस के लेक्चर्स मिल रहे हैं, टेक्नोलॉजी के लेक्चर्स मिल रहे हैं। तो स्कूल में, कॉलेज में क्यों जाना चाहिए? और कॉलेज नहीं है तो टीचर्स की जरूरत नहीं है। इसमें दूसरी कॉन्स्पिरसी उससे ज्यादा भयानक है। एक कॉन्स्पिरसी है, ऑनलाइन कौन पढ़ाएगा? इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी, और अमेरिका के विद्वान, जो कि अमेरिकन नहीं है, जो इंडियन ब्राह्मण है, भारतीय ब्राह्मण जो अमेरिका में बसते हैं या पूना में, मुंबई में बसते हैं, दिल्ली में बसते हैं, आर्यावर्त में बसते हैं, जिनके पास ये कारोबार है, सामग्री है, वो पढ़ाएंगे भारत का इतिहास क्या है। जिसमें अंबेडकर को तो छोड़ दो, बुद्ध को छोड़ दो, क्योंकि जिनका आदर्श सावरकर है, जिस सावरकर ने कहा था कि बौद्धों ने अहिंसा लाई इसलिए भारत गुलाम बन गया, यही पढ़ाया जाएगा। भारत का इतिहास अमेरिका से पढ़ाया जाएगा, भारत का समाजशास्त्र अमेरिका से आएगा। और जिसका नारा है जो पिछड़े हैं वो उनकी खुद की वजह से पिछड़े हैं, कालेलकर आयोग ने कहा था, काका साहब कालेलकर ने कहा था, जो ओबीसी है उनके पिछड़ेपन का कारण खुद ओबीसी है, तो उनका भार सवर्णों के ऊपर ना डाला जाए। यहां भी यही होगा, तो हम हमारी शिक्षा नहीं ले पाएंगे, हम बहुजनों का इतिहास नहीं पढ़ पाएंगे, हम बहुजनों की स्थितियां नहीं जांच पाएंगे। जिस देश की ब्यूरोक्रेसी हम कितने हैं इसको गिनने के लिए कतरा रही है। 1931 के बाद एक भी सेंसस, एक भी जनगणना जातियों के आधार पर नहीं की गई, और कारण बताया गया कि उसके जातिवाद बढ़ेगा। अरे जब जनगणना नहीं थी तो ब्राह्मण दलित को अपनी बेटी दे रहा था क्या, या क्षत्रिय दलित को अपनी बेटी बेटा दे रहा था? नहीं दे रहा था। और जनगणना एक फैक्ट फाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है, सत्य को जानने का हथियार है। हम कितने हैं बहुजन मूल निवासी और कौन किस स्थिति में जी रहा है, इसको गिनना है, और इसको सरकार गिनना नहीं चाहती, तो वो परसेंटेज में बात करती है। वो कभी नहीं कहती कि मूल निवासियों के 3.75 करोड़ बच्चे स्कूल के बाहर है, वो कहती इस लोकसंख्या के 3.75 करोड़ बच्चे बाहर है, जो 6 से 17 बरस की उम्र के हैं। वो कहती है कि 44% बच्चे 12 साल तक स्कूल के बाहर फेंके जाते हैं। वो नहीं कहते कि गरीबों के बच्चे बाहर फेंके जाते हैं, मूल निवासी बहुजनों के बच्चे बाहर फेंके जाते हैं। तो इसको
बदल के पढ़ना चाहिए और इस पढ़ने को सीखना चाहिए, यही अपनी भूमिका है। तो शिक्षकों का, शिक्षक नाम की अगर एक जाति बहुजनों में बचनी चाहिए तो उनको इस नीति के खिलाफ खड़ा रहना चाहिए। आधे बच्चों को तो दे दो ज्ञान, मैंने सुना यहाँ के मंत्री ने भी कहा, यहाँ के अधिकारी ने कहा, अरे आधे बच्चे आ रहे हैं ऑनलाइन तो आधों को सिखाओ और बाकी लोगों को नहीं, उनके बारे में हम सोचेंगे। कब सोचेंगे? और शिक्षा के बाहर जाने के बाद सोचेंगे, और रोजगार विहीन होने के बाद सोचेंगे। तो 50% जो ऑनलाइन सीखेंगे वो खुदा के बंदे हैं, स्वर्ग से आ गए, टपक पड़े हैं, और जो 50 नहीं आ रहे वो क्या असुरों के बच्चे हैं? अगर शिक्षा सभी का अधिकार है और संविधान इस उसको देश में जारी है, तो जब तक आखिर का बच्चा जो चीजें कर सकता है उसी के हिसाब से शिक्षा होनी चाहिए, किसी को बाहर धकेला नहीं जा सकता। और जो भी इसको कहेगा कि बाधे लोगों को रहने दो हम बाद में देखेंगे, उसको एक ही संज्ञा दी जा सकती है और उसका नाम है देशद्रोही। मैं केवल संविधान द्रोही नहीं कहता, मैं उसे देशद्रोही करता कहता हूं कि देश के सम्माननीय नागरिकों को जो अपने हक से वंचित करता है वो देशद्रोही है। तो शुरू करें हम बहुजन मिलके, इस शिक्षा नीति पे सवाल नहीं उठाता वो देशद्रोही है, और मातृभाषा को कंपलसरी नहीं करता वो देशद्रोही है, और शिक्षकों का निजीकरण और स्कूलों का निजीकरण के लिए खड़ा रहता है वो देशद्रोही है, क्योंकि ये संविधान और ये देश समता के लिए बना है, बंधुता के लिए बना है। तो इसके खिलाफ बोलने वाला और पॉलिसी बनाने वाला देशद्रोही है, इसको हम लेके साथ चले, गांव से हम अपना आंदोलन शुरू करें और हम बहते जाए, हम मिलते जाए, बढ़ते जाए, और एक दिन हमारी अपनी शिक्षा नीति तैयार हो, फिर कभी हम शिक्षा नीति कैसी हो इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी तक मैंने यही कहा है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी है कि जिसके बारे में सवाल हो सकता है, मैं चाहता हूं कि लोग अपने सवाल पूछे। धन्यवाद जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है और पूरा जो उसका सटीक विश्लेषण जिसे हम कह सकते हैं, इस तरह से अपना पूरा जो शिक्षा नीति है उसको एक्सप्लेन किया है। कुछ सवाल आए हुए हैं, उस सवालों को मैं ले रही हूँ। हमारे पास जो सवाल है उनमें एक है, ये है कलावती शंकर जी, ये लखनऊ यूपी से हैं और उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज के लिए हमारी शिक्षा नीति क्या होनी चाहिए, अगर हमको शिक्षा नीति तय करने का अवसर मिले तो हमें शिक्षा नीति तय करेंगे, इस बारे में क्या बताया तो जाए? मैंने लास्ट का सेंटेंस था, आखिरी मारा वाक्य जो था कि इसको हम विस्तार से देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि जब भी हमें अवसर मिले नहीं है, अवसर तो हर समय है, हम आज से शुरू करें कि हमारी शिक्षा नीति हम बनाए, चलो इसके ऊपर बहस करें, तभी हम ऐसी शिक्षा नीति पर आ सकते हैं और इसको बदल सकते हैं। हेलो जी, एक सुनील सुनील कुमार सिंधे जी है, सुनील कुमार जी का सवाल है कि सभी स्कूलों में एक ही सिलेबस क्यों नहीं पढ़ाया जाता? तो बहुत बार कह जाता है समता का मतलब विविधता को तोड़ना नहीं है, सभी स्कूलों में एक सिलेबस को सिखाना शिक्षा के मूल आत्मा से विरुद्ध है। जैसे कि होता है इस देश में होता है, आपका शायद नहीं मालूम होगा, मेघालय में या असम में, अरुणाचल में, नागालैंड में जो साइंस पढ़ाया जाता है, जो बॉटनी पढ़ाई जाती है, उसमें दिल्ली का बायोडाइवर्सिटी का जिक्र होता है, मेघालय के पौधे कौन से है और मेघालय के प्राणी कौन से, इसको नहीं पढ़ाया जाता। तो मेघालय का पर्यावरण की शिक्षा दिल्ली जैसे कैसे हो सकती है? तो इसमें यह है कि उसकी आत्मा समान हो,
लेकिन पाठ्यक्रम तो अलग ही होगा और अलग होना चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए कि इस पाठ्यक्रम में जो चीजें सिखानी चाहिए, कम से कम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या हो, इसको दिया जाएगा, लेकिन लोग मिलके बनाएंगे, हम हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि एक किसान कहता है, मेरे बाप से मैं, मेरे परदादा से मैं खेती कर रहा हूं और मुझे खेती की उच्च शिक्षा चाहिए और मेरी भाषा में चाहिए। यही तो कर रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भारत का ये किया है, और भूगोल तो अलग अलग ढंग से है और भाषा अंग्रेजी है, तो समान पाठ्यक्रम, ये एक कॉन्स्पिरसी है, एक षड्यंत्र है। समान पाठ्यक्रम नहीं, समान आत्मा वाला पाठ्यक्रम इसको कहा जाना चाहिए। जी, राम धनी जी है, इनका सवाल है, शिक्षा व्यावसायिक न हो इसका उपाय क्या है? शिक्षा व्यावसायिक नहीं, शिक्षा व्यवसाय न हो इसका उपाय क्या है? इसका एक ही उपाय है, हमारा समझना है, जितना भी इकोनॉमिक्स मुझे मालूम है, जो 30 साल से हम पढ़ रहे हैं, सरकार के पास उतना धन है कि पूरे भारत के सारे निजी विद्यालय, प्राइवेट स्कूल्स बंद करके अच्छे, मैं अच्छे के ऊपर ध्यान देना चाहता हूं, उसको अंडरलाइन करो, कि सारे जी, विद्यालय इक्विटेबल क्वालिटी की अच्छी शिक्षा दे सकते हैं पब्लिक मनी से, लोगों के पैसों से। इस देश में एक कहा जाता है, वो भी मैं जरूर करना चाहता हूं, जो इनकम टैक्स देते हैं वो टैक्स पेयर नहीं है केवल, वो कहते हैं उनके टैक्स पेयर के पैसों के लिए उनको अच्छी शिक्षा चाहिए तो निजीकरण होना चाहिए। नहीं, हर आदमी जो मोबाइल लेता हूं तो मैं जीएसटी देता हूं, मैं धान लेता हूं तो भी मैं टैक्स देता हूं, तो हर आदमी यहाँ का भिखारी भी टैक्स देता है। तो सरकार का पैसा ओनली इनकम टैक्स वालों का केवल नहीं है, सारी जनता का पैसा है, और इस पैसे से अच्छी शिक्षा अगर रशिया में दी जा सकती है, कोरिया में दी जा सकती है, क्यूबा में दी जा सकती है, तो यहां भी दी जा सकती है। यहां पे गुना, क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए, प्राइवेट स्कूल चलाना और उसमें मुनाफाखोरी करना गुना होना चाहिए, कॉग्निजेबल डिफेंस, दखल पात्र गुना, और जी, कॉग्निजेबल डिफेंस होना है तभी वो व्यवसायीकरण को हम रोक सकते जी, हैं। हेलो, जी, उत्तराखंड देहरादून से है जितेंद्र कुमार भुटुया। इन्होंने कहा कि शिक्षा में काल्पनिक ना होकर वैज्ञानिक पढ़ाया जाए, इसके लिए क्या किया जा सकता है? हाँ, मैं इसके बारे में एक चीज शेयर करना चाहता हूं। जी इंग्लैंड में सर हरमन बॉन्डी करके एक नोबेल प्राइज विनर थे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से थे, डीएनए के बारे में उसने संशोधन किया था। उन्होंने सरकार को कहा कि 18 साल तक किसी बच्चों को किसी धर्म का पाठ्यक्रम ना हो, क्योंकि तब तक वो बच्चा है, तब तक उसको साइंस ही पढ़ना जी चाहिए, नहीं तो बाइबल में कहेगा कि गॉड थॉट देर शुड बी वर्ल्ड एंड देर वॉज अ वर्ल्ड, और साइंस की क्लास में डार्विनिज्म सिखाया जाएगा तो बच्चा भ्रमित हो जाएगा। भारत में तो जी बहुत सारी मान्यताएं हैं कि वो साइंस वाला ना हो, वो मिस्त्री बन जाए, इसलिए सीवी रमन के बाद कोई नोबेल प्राइज विनर नहीं है। तो यहाँ के बच्चों में दिमाग की कमी नहीं है, इस यहाँ की शिक्षा गुमराह है और उस शिक्षा को गुमराह किया गया है। तो सर हरमन बॉन्डी ने 200, दुनिया के 200 नोबेल प्राइज विनर के साथ एक पर्चा निकाला और सरकार को दे दिया कि हम सब इस्तीफा दे देंगे, हमारा नोबेल प्राइज भी वापस दे देंगे, जब तक सरकार कानून नहीं बनाती कि 18 साल के पहले कोई धार्मिक शिक्षा ना हो किसी भी निजी या सरकारी संस्थान में। और यूके में ये हो गया, भारत में क्यों नहीं हो सकता, अगर सारे मूल निवासी इकट्ठे आ जाए और फिर हम बात करें। अगर परंपरा ही पढ़ानी है तो नैयायिक पढ़ाएंगे, वैशेषिक पढ़ाएंगे, सांख्य पढ़ाएंगे, जैन पढ़ाएंगे, बौद्ध पढ़ाएंगे, ठीक है, वेद क्यों पढ़ाएंगे? जी ओके जी जी
सर बहुत सारे सवाल है, कुछ चुनिंदा सवालों को लेकर हम बात कर रहे हैं। एक सवाल जो बार बार चर्चा में आ रहा है वो ये है कि राइट टू इंफॉर्मेशन, सॉरी राइट टू एजुकेशन में जिस तरह से जातीय मतलब रिजर्वेशन को नकार कर आर्थिक रिजर्वेशन को ज्यादा प्रमोट किया गया है, तो अभी जो नई शिक्षा नीति है इसके तहत पूरी तरह से शिक्षा को ही वंचित रखने का प्रयास किया जा रहा है, इसके बारे में आप मतलब क्या बताएंगे? हाँ, इस शिक्षा नीति में राइट टू एजुकेशन का जिक्र है, लेकिन जी सब लोगों को फ्री एजुकेशन का जिक्र नहीं है। और मैं उसके ऊपर ध्यान लगाना चाहता हूं कि संविधान की चर्चा में 1953 में 25 घंटे तक बहस चली थी लोकसभा में जी कि क्या आरक्षण का आधार सामाजिक और आर्थिक भी होना चाहिए। तो सबसे बड़े भाषण थे बाबा साहेब अम्बेडकर के और पंडित नेहरू के, और उन्होंने कहा था तो आर्थिक जो पिछड़ापन है वो एक दिन में जा सकता है, लेकिन सामाजिक पिछड़ापन पीढ़ियों तक नहीं जाता। तो यू कैनॉट इक्वेट सोशल बैकवर्डनेस और एजुकेशनल बैकवर्डनेस विद द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। आर्थिक आधार आधार ही नहीं है। अगर है जी जिसके पास पैसे वो बड़े स्कूल में जाएगा, इसको कहना यानी कि उसके पास पैसे आने की सुविधा संविधान ने दिया है। तो सब लोगों के लिए इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन विद गवर्नमेंट स्कूल्स इज ओनली द वे, और इसमें इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ये पैसा कहां से आएगा और आरक्षण का आधार क्या होगा और मदद कैसे दी जाएगी, इसके बारे में नहीं कहा गया। बल्कि ये कहा गया है कि प्राइवेट एजुकेशन में कौन अकेला लेगा, इसके ऊपर सरकार को कोई अधिकार नहीं होगा। अभी कोई एजुकेशनल ऑफिसर प्राइवेट स्कूल में जाके इंस्पेक्शन नहीं कर सकेगा कितना पैसा लिया और कितने की शिक्षा दी। तो ये भयंकर है, बहुत भयंकर है। जी, प्रोफेसर मधुकर मेश्राम जी है, इन्होंने पूछा है क्या हम नई शिक्षा नीति को लेकर मूल्यवासी बहुजन समाज के लिए ड्राफ्ट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, और वो ड्राफ्ट बनाने के लिए हम तीन स्तर का आयोजन कर सकते हैं। जैसे कि इस ड्राफ्ट को पढ़ने के लिए कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस स्टेट लेवल पे हो जाए, राज्य के स्तर पर हम इसके हर चीज को लेकर हमारा अपना कहना मान्य करेंगे। उसके बाद एक ड्राफ्ट बनेगा और सारे स्टेट्स को लेकर ही बैठना पड़ेगा, और या इस देश के मूल निवासियों का एक नई शिक्षा नीति, पूरी तरह से सक्षम शिक्षा नीति, क्योंकि बदलो मारो काटो फेंको कहना बहुत आसान है, नव निर्माण का क्या होगा ये डिफिकल्ट है, बहुत जी मुश्किल है। लेकिन इसमें बारे में मेश्राम जी के साथ में मैं हूं। चलो हम शुरू करें आज से। मैं तो काम कर रहा हूं, आप भी करिए और सब लोग मिलके करेंगे, और जिसमें ख्याल जी रखेंगे यहाँ के महिलाओं का, दलितों का, मजदूरों का, कारीगरों का। चलो चले करेंगे। ओके जी सर बहुत सारे सवाल है लेकिन समय की कमी है। एक आखिरी सवाल जो संतराम सिंह जी है इलाहाबाद से, उन्होंने पूछा है कि गांव में गांव के सहयोग से शिक्षा को विकसित किया जा सकता है? सर का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है। साथियों आज हमने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की, क्या जो नई शिक्षा नीति है 2020 इसमें मूल्यवासी बहुजन समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए, और इसको लेकर डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी ने बहुत अच्छे से विश्लेषण। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।